टू, ठीक है ना, वन कमा टू। देखो तीन चार यहाँ पर सेट के रूप में लिखा हुआ है, आ कमा पाँच ये हो गया ए बराबर। निम्नलिखित में कौन कथन सही है गलत है? इतना ये सही नहीं है। हाँ सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलती खोजना है। और क्यों? अरे सही नहीं है तो गलत है ना खोजना है, तो क्यों गलत है कारण दो। तो तीन कौमा चार प्रॉपर सबसेट से क्या सही है? कोई सिंबल कर लो इसका, सब इसमें हो तभी ना। तो देखो अच्छा पहले बताओ क्या ये सेट है? नहीं है सेट, सेट में सिंबल होना चाहिए, इसमें कहाँ है? नहीं समझा, फिर से सेट में ऐसा होना चाहिए ना सेट में, क्या यहाँ लिखल है ऐसा? कहाँ ई तो है सो, तू कह रहे हो नहीं है, ई क्या है? हम कह रहे हैं ऐसा सिंबल तो ना ऐसा। सेट को क्या लिखते हो? जैसे एक्सरसाइज कितना है ये? फोर, 1.4 और 3, 1.3 है ये जो एक्सरसाइज 1.। सोचो ये फंसोगे तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ सवाल। जैसे ए बराबर सेट रूप में लिखा है, ऐसे लिखा रहता है ना जी, यही सिंबल तो है, तो इसमें फिर तुमको दिक्कत क्या है? वही तो है, अब गणवर ने बना सेम तो उसका मतलब क्या? मजली कोष्ट है ना, तो है तो मजली कोष्ट, फिर क्या है ना प्रॉपर सबसेट होगा? कारण है ये इसका एक एलिमेंट है, यहाँ पर हमेशा सेट को होना चाहिए कि देखो इसलिए बताया तू इन्हें बनाता तुमको दिक्कत होता, आंसर देख कर लेता लेकिन हमको पता तू फंसेगा यहाँ पर। तीन चार एक इसका एलिमेंट है ना, प्रॉपर सबसे होने के लिए पहले इसको सेट्स होना पड़ेगा ना, तभी ना। और ये सेट्स नहीं है, क्यों? इसमें ऐसा होना चाहिए, तीन कमा चार ये तो एलिमेंट हो गया, क्योंकि एलिमेंटे ऐसे एक रूप में लिखा हुआ है, फंसाने के लिए दिया है। इसमें फिर ऐसे सिंबल लगाओगे ना, अब हुआ ये एक सेट, अब ये सेट हुआ एक तो। बात बुझ रहे हो ना? हाँ, तब होगा प्रॉपर सबसेट, लेकिन ऐसा नहीं होगा, अभी ये गलत है। एलिमेंट का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होती, सेट का ही रहेगा तभी ना प्रॉपर सबसेट। ये सेट है, ये एलिमेंट है। ये सेट है ही नहीं, ये एलिमेंट है, यहाँ सेट होना चाहिए, तो एगो कोस्ट और लगेगा, क्योंकि तीन कमा चार इस सेट के ऐसे के रूप में, तो यहाँ एलिमेंट के रूप में लिखा हुआ है उसको, उसका में फिर सेट लगा, तब इसका सब इसमें मिलेगा ना। समझ में आ गया ना बात, यहाँ दिक्कत होता। और तीन चार हाँ बिलोंग्स ये ठीक है, ये सदस्य है ए का, वो तो ठीक है, तो है तीन चार सदस्य ए का, ये सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऊपर सबसेट यूज नहीं होगा, यहाँ पर ये यूज होगा। हाँ फिर ये सही है, ये सही है, वन बिलोंग से ये भी सही है, वन सदस्य ए का है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, वन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा ना, वन सदस्य हो चुके, वन सदस्य है ए का, नहीं होगा। हाँ फिर कोष्ठ लगाओगे तब सही हो जाएगा, मधुरे बात को, फिर कोष्ठ लगाओगे तब सही हो जाएगा। और वन टू फाइव सबसेट्स होंगे ए का, वन टू फाइव हाँ ठीक है होगा, क्योंकि कोष्ठ भी लगल है। और वन टू फाइव ये गलत हो गया, अब एक जब ये हो रहा है तो थोड़ा थोड़े होगा, ये वन टू फाइव तो प्रॉपर सबसेट्स होंगे ना ए का, वन टू फाइव बिलोंग से नहीं, वन टू फाइव सेट्स नहीं होगा ना, सेट्स का सबसेट्स होती है, सेट्स कोई एलिमेंट नहीं है, ये सेट्स के रूप में लिखा हुआ है ना, कि नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? हाँ वन टू फाइव बिलोंग से लिखता तो सही था, ये क्वेश्चन लगा था तब, समझ रहे हो बात को ना, ये जरूरी है। वन टू थ्री ये भी नहीं है, देखो वन टू थ्री डलिया पैकेट से एगो थ्री उठ कर आएगा, आएगा तो पूरा नहीं आएगा, गलत हो गया। फाइव बिलोंग से वो तो हाँ, अब यहाँ पर देखो फाइव बिलोंग से ये सही है, फाइव बिलोंग से ये सही है, गलत है, है? फाइव तो सही में आता है, फाइव इसका एक एलिमेंट है, सही है। एक बुक और लाए हो उनका, उसमें से देख लो, फाइव बिलोंग से लिखा है उसमें, सही है गलत है, सही ही होगा। 1.3 का तीन का दो नंबर निकालो, दो तीन नंबर, 1.3 का तीन का नौ, हाँ बोला है उसमें कुछ कहा ही नहीं क्या? क्या कहता है, क्यों है उसे भाई नहीं है, वो दीजिए क्यों नहीं दिया? अच्छा तो उसमें ऐसा हाँ उसमें नहीं होगा ना, ये नहीं होगा, यस नहीं होगा कि होगा, नहीं तो होगा सर, मतलब चाहिए ये गलत, निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही है, ये सही तो सही है, नौ नंबर दिया है उसमें, नौ सही है, हाँ नौ तो दिया है, नौ दिया है तो मतलब क्या हुआ? नहीं हुआ तो अरे उल्टा तो समझ रहे, समझो हाँ। नौ उसमें दिया इसका मतलब क्या समझेगा? इसका मतलब ये सही नहीं है, गलत है इसका मतलब। फिर से सुनो क्वेश्चन में क्या कहा, आंसर भी ठीक से देखा करो, सही नहीं दिखवाते हैं नहीं तो कभी पता नहीं चलेगा, आंसर देखा करो।
निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? सही नहीं है मतलब कौन चूज करना है? गलत आंसर में गलत वाला सब दिया होगा। एक नंबर का गलत है वो सही। इसका मतलब है ना आंसर में सब क्या दिया होगा? अच्छा एक नंबर वाला तीन चार प्रोप इसके बारे में क्या बोले थे? गलत नहीं, गलत है। गलत है तो ये देखो नहीं दिया होगा। एक नंबर दिया है, दिया है। एक नंबर दिया है वो तो गलत है, अच्छा, गलत, हाँ, गलत है तो वही देगा। सही मतलब ठीक है, गलत वाला ही सिर्फ देगा। नौ नंबर दिया है उसमें क्या दिया है? नौ नंबर उसमें नौ नंबर दिया है तो नौ नंबर क्या होगा? गलत होगा। अरे तब ना दिया है ना। अब इसमें समझो फाइव बिलोंग्स ए, फाइव किसका सदस्य होगा? ए का, लेकिन फाइव सदस्य ए का होगा? फाइव कहे न कहे फाइव कहाँ होता है? सब में होती है फाइव, है ना? तो फाइव बिलोंग्स ए, फाइव सदस्य है ए का, सही है। उसमें पता नहीं क्यों ऐसा क्या है, कहाँ है तुम्हारा तीन का? तीन का नौ नंबर कहाँ है ना? ठीक है फाइव बिलोंग्स ए, फाइव सदस्य है ए का, ये मतलब होती है ना। फाइव बिलोंग्स ए का है तो यहाँ पर फाइव सदस्य होना चाहिए ए का। देखो यहाँ से ग्यारह भी दिया है, है दिया है, ग्यारह भी दिया है, बारह तो यहाँ पर। बिलोंग्स या प्रॉपर सब्जेक्ट में से एगो हो गया तो दूसर नहीं होगा, ये लेकिन सही है। ग्यारह नंबर, ग्यारह नंबर उसमें दिया है तो ग्यारह गलत होगा इसका मतलब। ग्यारह तो गलत है, ग्यारह गलत है ना, और दस क्या है? सही है। देखो बिलोंग्स का मतलब होगा कि फाइव बिलोंग्स, फाइव किसका सदस्य है? ए का, ठीक है। और फाइव प्रॉपर सबसेट एक मतलब क्या होगा? एक चीज, अरे हाँ अब ध्यान आया, फाइव खुद नल सेट के बारे में क्या पढ़ाए थे? यहाँ देखो बात कहाँ आकर फंस, अब दिमाग में मेरा हमको थोड़ा सा अटका। नल सेट के बारे में पढ़ाए थे कि नल एक प्रकार, नल सेट एक प्रकार का सेट ही है, याद करो, इसलिए वहाँ है गड़बड़ रहा है। नल सेट एक प्रकार क्या है? समुच ही है, और नल सेट को ही फाइव सब्जेक्ट किया जाता है, यानी कि एक समुच हो गया ना। इसमें एक कोष्ट लगाने की जरूरत तब नहीं है। सोचो ये एक प्रकार का सेट है, इसीलिए ना सेट का जब लिखते हो सब सेट तो फाइव अकेला छोड़ देते हो, याद करो, और एक में से लगाते हो, कभी याद किए हो ऐसा? फाइव में कभी ऐसे लगाए हो? अकेले है, फाइव खुद सेट है, तो फाइव खुद सेट है। यहाँ पर कह रहा सेट इसका सदस्य होगा, ऐसा थोड़ी होगा, ये तो गलत हो चुका है ना, इस रीजन से गलत हो चुका है। ये तो कह रहा है कि एलिमेंट है ना, फाइव बिलोंग से मतलब फाइव किसका एलिमेंट है? ऐसा थोड़ी होता है, फाइव सेट ही है, तो ये कथन सही है, और ये क्या होंगे? अब इसीलिए अब देखा कितना बारीकी वाला चीज था क्वेश्चन दिया हुआ इस तीन नंबर में। ये तो होगा प्रॉपर से, हाँ कैसे होगा ये जब हो चुका तो नहीं होगा ना, ये तो सेट खुद है, फिर तू लगा दी हो, ऐसा कुछ थोड़ी होगा, तो गलत ऑलरेडी हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तीन नंबर में था ना, खोज फंस सकते तीन नंबर में, बना भी लगता है तो देख कर कन्फ्यूजन होता, इसीलिए मैंने पहले दूर कर दिया कन्फ्यूजन। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? एक ऐसा यूनिवर्सल सेट दो जो समकोण त्रिभुज का समुच्च हो और समद्विबाहु त्रिभुज का भी समुच्च हो, समकोण त्रिभुज का भी और किसका हो, ऐसा यूनिवर्सल सेट बताओ। तो कोई बात नहीं है, है देखो ये ए बी सी, इसको स्मॉल स्कोल स्मॉल कह देते हैं, ऐसे डायग्राम में घेर दो, यूनिवर्सल सेट हो गया, तो इसे दिखा दिए वो हो गया। ये एक समकोण त्रिभुज भी है और एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों बराबर है, इसलिए ये त्रिभुज यूनिवर्सल सेट हो गया इस दोनों के लिए, है ये दोनों बात इसमें आ गया। समकोण त्रिभुज हाँ है, समद्विबाहु त्रिभुज वो है, इसलिए यूनिवर्सल त्रिभुज हो गया, जो कि दोनों आ गया, समझ में आ गया ना। यूनिवर्सल इसको सब मिल जाए, क्वेश्चन खत्म होगा, आगे तुमको दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया ना, है ना, आगे दिक्कत नहीं हुआ, आगे सब बन जाएगा। अब ये सब तो बन ही जाएगा, ये सब अभी जो पढ़े हो ए बी सी, इसमें कौन सदस्य सदस्य प्रॉपर सब्जेक्ट इसका सब इसमें होगा, ये तो जानते हो करने के लिए, इसमें कोई भी इशू नहीं होगी। इसके बाद जो बात आती है
इसमें तो कोई दिक्कत होना ही नहीं है, ये तो दो बार तो पड़े हो ये चीज। हाँ कुछ प्रॉब्लम बता देते हैं इससे, 1.6 कुछ प्रॉब्लम उधर। हाँ लोग क्या कह रहे थे जी, खत्म हो गया। नहीं नहीं कह रहे थे काफ़ी अधिक है, उसमें तो हम कलम उठाने का मन नहीं करता है, इतना भारी है कि बिना कलम उठे ले क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना। अब तू खुद मन लगाओ भारी है कि आसान है, भारी होता तो बड़का बड़का सवाल बनता ना, लंबा लंबा थ्योरी पढ़ लगा 10 दिन से कहीं पढ़ रहे हैं थ्योरी है। अब देखो एक्सरसाइज 1.6 में कुछ भी नहीं है, प्रोबेबिलिटी पढ़े उन ठीक से आसानी से हो जाएगा। वहाँ पी था यहाँ एन होगा, बाद में कि सेम है सब बात। वहाँ पी ए यूनियन बी बराबर टू क्या पढ़ा था, पढ़ा था ना पी ए प्लस क्या पढ़ा था, यूनियन बी बराबर पी वी माइनस एन ए यूनियन बी पढ़ाए थे ये इसमें पर्पस है। अरे प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था ना, वही तो याद दिला रहे हैं ना। इंटरसेक्शन भी इसमें से एक दो तीन चार में से क्या गोल रहता था, तीन को दिया रहता था, एक गोल चौथा निकालना होता था। जस्ट लाइक 1.6 वही किया है, तीन को दिया है, एगो क्या करना है, अब फार्मूला पी की जगह पे क्या लगा देना एन, जो भी पढ़े हो बात खत्म है। अब देखो एक नंबर सवाल में क्या कहा है, भाषा वाला भी कहा, भाषा वाला बना देते हैं, एगो बताएंगे सवाल फिर अगला चैप्टर थ्योरी शुरू करेंगे, तुमसे सब बन जाएगा। 400 व्यक्तियों के समूह में से 250 विद्यार्थी हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितना का समूह है 400 क्या बोलते हैं हिंदी, एन एच बराबर हिंदी बोलने वाली संख्या कितनी हो गया 200 क्या बोलेंगे अंग्रेजी एन ई बराबर इंग्लिश बराबर कितने हो गया 200 कितने व्यक्ति हिंदी तथा पकड़ो वर्ड को हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन मतलब बोला है यानी कि एन एन एच इंटरसेक्शन ई हिंदी तथा इंग्लिश के कितना बोल सकते नहीं है पता। अच्छा दोनों बोलने वाला यूनियन होगा तो एन 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 यहाँ देखो एच यूनियन एच यूनियन बराबर। अब बोलो क्या सवाल हम बनाएंगे, है बनाने लायक सवाल बन गया तो कुछ भी नहीं है, सब ऐसे है टोटल सवाल। अब नेक्स्ट चैप्टर चलो पेज बदलो काफी थी सवाल है, पता नहीं लोग क्या देख कर कहते हैं भारी है नहीं पढ़ाएंगे चैप्टर है कि कहने का वर्णन नहीं है क्या करोगे अगला वीडियो। अरे इसी में रहेगा मेन बात है क्या, अच्छा अगला बना देते हैं।